ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ये एक सेकंड आप मेंटेन करें, ये ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं उनको इजहार ख्याल की दावत देता हूं। ऑर्डर प्लीज, ये आप गैलरीज में प्लीज आप ऑर्डर मेंटेन करेंगे, प्लीज, थैंक यू। और मैं आप सब जो नशिस्तों पर तशरीफ रखे आप प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या खातमुन नबीयीन। सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का सर झुकाकर आजजी से शुक्र अदा करती हूँ, और ये मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, और मैं ये कह सकती हूँ कि किस तरह कुदरत के निज़ाम में पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारना और फिर उसको इज़्ज़त से नवाजना होता है। तो मैं आप सब के बिहाफ पे भी, मैं ख़ुद भी सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपको और डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर साहब को, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी क़यादत में ये ऐवान जो है जमहूरी असूलों को और जमहूरियत के परचम को सरबुलंद रखेगा इंशाल्लाह। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर अपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं हैं। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो शामिल होते, क्योंकि जमहूरी कारकुन जो है, हम सब सियासी और जमहूरी कारकुन हैं। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में, जिद्दोजहद में, सियासत में मुकाबला करना कितना ज़रूरी है। हमारे पे भी बहुत मुश्किल वक्त आए, और इंतहाई मुश्किल वक्त आए, और बहुत लंबा अरसा वो मुश्किल वक्त रहा जब हर चीज़ हमारे खिलाफ थी, मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर मेरे मौजूद हर रुकन ने और हमने बतौर जमात, हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। आज अगर अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं, वो गायबाना तौर पे, ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूं, उनकी बहन हूं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूं कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले हैं जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले।
और जनाब स्पीकर, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, अपनी पूरी जमात का, अपने एक एक एमपीए का, अपने एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूँ। कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया बल्कि मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ मैं पीपल्स पार्टी का, आईपीपी का, काफ लीग का और जो जेड लीग के एक रुकन हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के लिए हूँ उतनी वज़ीर आला मैं आपके लिए भी हूँ। और आप सब के साथ मिलके एक ड्रीम टीम की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं। और मैं उसके बाद पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नामज़द किया। और ये हर सियासी कारकुन जो एक जिद्दोजहद से गुज़र कर किसी मकाम तक पहुँचता है, मेरा यहाँ पर मौजूद होना उस हर सियासी कारकुन की खिदमात का एतराफ़ है, उसके लिए एक शाबाश है। और फिर अपना ये एजाज़ जो आज एक तारीख बनी है, मुझे अगर आप माइनस भी कर दें लेकिन ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। और उम्मीद करती हूँ जनाब स्पीकर, दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहे और यहाँ पर कोई और खातून मेरी जगह ले जब ये ख़त्म हो। आप सब जानते हैं कि हम एक मुश्किल मरहले से गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं और ये ह्यूमन नेचर है, एक नेचुरल आउटकम होती है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा, आपके दिल के अंदर बदले का जज्बा होगा, लोग डरते भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है ना बदले का कोई जज्बा है। बल्कि अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मुखालफीन की, जिन्होंने मुझे जुल्म का निशाना बनाया, इंतकाम का निशाना बनाया, मैं तहे दिल से उनकी शुक्र गुज़ार हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर वो मुझे इम्तहानात से, जो जिन इम्तहानात से गुज़र कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, जिसमें बग़ैर किसी कसूर के कई साल अदालत की राहदारियों में धक्के खाना शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, वालिद की आंखों के सामने अपने आप को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है, उसमें ये सब तकालीफ के बाद भी मैं ये समझती हूँ कि मेरे मुखालफीन ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी स्ट्रगल से गुजारा है, ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसमें, उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफीन ने गुजारा है, उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है, तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद हैं, मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये सब
जो आज आप देख रहे हैं एक तारीख बन रही है, ये हर खातून की फतह है, हर बेटी की फतह है, हर माँ की फतह है, और ये इस बात का सबूत है कि औरत होना, बेटी होना आपके ख्वाबों की ताबीर की राह में रुकावट नहीं बन सकता। मैं इस मौके पे अपनी शफीक मरहूम वालिदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नोइंगली और अननोइंगली ऐसे हालात के लिए तैयार किया जिसका उनको शायद नहीं अंदाज़ा था कि मुझे उनसे गुजरना पड़ेगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो फिज़िकली मेरे साथ आज मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली वो एक मैनुअल की शक्ल में जो वो मुझे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा गई हैं, उस शक्ल में वो मेरे साथ हर लम्हा मौजूद होती हैं, और मुझे पता है कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और जिस तरह उन्होंने मुझे जो मुझे तालीम दी, जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि मुश्किलात में वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है, और तब मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं आती थी, लेकिन वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है और आपको टफ होना पड़ेगा। उन्होंने सिखाया कि मुश्किलात का सामना हौसले से कैसे करते हैं, किस तरह मजबूती से मुश्किलात का सामना किया जाता है, किसी तरह दम जो जितनी भी मुश्किलात मसाइब आएँ, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, तमीज़ और तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो मैं आज अपनी वालदा को भी और कौम की तमाम माओं को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ।